पहला फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल का फॉर्मूला या तो हाफ एम वी स्क्वायर है या पी स्क्वायर बाई टू एम है। नेक्स्ट है मोमेंटम का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन दोनों को, पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम इन टू के है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, इसमें डी ब्रॉगली की जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, एच अपॉन पी, पी का मतलब है मोमेंटम, या तो एम वी पुट करेंगे या अंडर रूट ऑफ टू एम के पुट करेंगे, लैम्डा आ गया। नेक्स्ट है डी ब्रॉगली की वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन हमने शॉर्टकट किया 1.23 बाय अंडर रूट ऑफ वी नैनोमीटर है, या फिर एच अपॉन अंडर रूट ऑफ टू एम इन टू के, के की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है, और कुछ नहीं करना है इसमें। पहला न्यूमेरिकल है व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। सिंपल है, लैम्डा में वी आपको पता है 100, यहाँ से नैनोमीटर में आंसर आएगा, यहाँ से नैनोमीटर में के अंदर आंसर छोड़ देंगे आंसर है। फिर ये भी पूछ सकता है कि ये जो वेवलेंथ है किसके साथ कॉरस्पॉन्ड करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चैप्टर किया था मैंने, कहा था रेंज याद करो वेवलेंथ्स की, वेव्स की, तो लैम्डा अगर इतना है तो किसके साथ कॉरस्पॉन्ड करेगा, एक्स रेज के साथ कॉरस्पॉन्ड करेगा। लेकिन आपको पूरा टेबल याद करना पड़ेगा ईएम वेव्स का कि कौन सी वेव किस फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में लाई करती है। तो ये इस चैप्टर का काम नहीं है, ये ईएम वेव्स का चैप्टर का काम है। कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, मोमेंटम ऑफ फोटोन एसोसिएटेड विद रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन। तो हमने फोटोन के लिए आइंस्टाइन ने रिजल्ट क्या बनाया था, मोमेंटम का एच अपॉन लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, पी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। एच पता है आपको और आपको लैम्डा की जगह फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आप लैम्डा की जगह क्या पुट कर सकते हैं, सी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एच पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, और सी पता है, यहां से सॉल्व करके आंसर आएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई, तो इतने जूल है। फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट, तो अगर काइनेटिक एनर्जी पता है तो डी ब्रॉगली की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, एच अपॉन पी, और पी मोमेंटम क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू के फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो आपको एच पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, और काइनेटिक एनर्जी भी पता है, सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा। तो ये स्टेप भी क्लियर है यहाँ तक, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, ये सीबीएसई वालों ने क्वेश्चन डाला हुआ है लेकिन न्यूमेरिकल नहीं डाला हुआ है, ऐसा प्रूफ करने को डाला हुआ है। क्वेश्चन समझ लें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ गिवन। तो कह रहा है कि एक तरफ बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन की और एक तरफ बात कर रहा है फोटोन की, तो क्या कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है, एनर्जी ऑफ फोटोन के इक्वल है। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है, एच सी बाई लैम्डा, एच इंटू न्यू एच सी बाई लैम्डा एक ही बात है, तो दोनों बराबर गिवन है। वैसे होते नहीं है बाय डिफॉल्ट, लेकिन इस क्वेश्चन में कहता है बराबर गिवन है। अब ये बताओ कि इसमें लैम्डा किसका लैम्डा है, फोटोन का कि इलेक्ट्रॉन का, फोटोन का, इलेक्ट्रॉन का। फिर एंड में क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड डी ब्रॉगली इज एसोसिएटेड विद द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वेवलेंथ निकालनी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, तो ऑब्वियसली किसका है, फोटोन का। तो ये फोटोन का, देखो इलेक्ट्रॉन का लैम्डा निकालना ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का लैम्डा 1.23 वाला फॉलो करता है फॉर्मूला, पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, तो ये तो फोटोन ही होगा ऑब्वियसली। तो फोटोन का आपको रिजल्ट पता है इसका, एनर्जी का। आपको क्या करना है, आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी है। अब इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है, वो क्या होती है, एच अपॉन इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या है, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी के। अब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की गिवन है फोटोन के इक्वल, तो इस रिजल्ट को फोटोन की जगह पुट कर दें, इस एनर्जी की जगह पुट कर दें आंसर। सीबीएसई में 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, न्यूमेरिकल नहीं दिया था उन्होंने, उन्होंने कहा था कि फोटोन की वेवलेंथ अगर लैम्डा है और काइनेटिक एनर्जी दोनों की इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ प्रूव करो इसके इक्वल है। तो आई होप समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ और फोटोन की वेवलेंथ में डिफरेंस होता है समझ में आ रहा है। फोटोन की वेवलेंथ का ये रिजल्ट है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का ये रिजल्ट है, रिजल्ट तो सेम ही है, पर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की आएगी जो कि फोटोन के इक्वल है इस केस में। हाँ, इस केस में न्यूमेरिकल गिवन है, एच पता है, लैम्डा फोटोन का पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, सी पता है, यहाँ से सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, ठीक। बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि क्या किसके इक्वल करना है। कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल की कहानी सुन लो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल की निकालनी है। जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है ना, वो 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन होता है। और ऐसे ही
अगर चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो किसके इक्वल होता है, वो टू टाइम चार्ज ऑफ प्रोटोन होता है ऐसे। तो मास चार गुना होता है, चार्ज दो गुना होता है, ठीक है याद रखना। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, मास ऑफ प्रोटोन अल्फा पार्टिकल तो लिख दिया मैंने, डी ब्रॉगली की वेवलेंथ निकालनी है। देखो जो डी ब्रॉगली की वेवलेंथ है उसका फॉर्मूला तो स्टैंडर्ड वही है एच अपॉन पी, ठीक है। हमने ये किया था जो डी ब्रॉगली की वेवलेंथ है उसका फॉर्मूला एच बाई पी, उसका फॉर्मूला एच डिवाइडेड बाय पी ये रहा। अब पी की वैल्यू क्या होगी ये देख लेते हैं। मुझे एक बात बताओ जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, चार्ज इनटू पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या काइनेटिक एनर्जी के, जो के की वैल्यू है उसको क्या पुट कर सकते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल। कि जो भी आप अल्फा पार्टिकल को पोटेंशियल दोगे उससे वो जो भी एनर्जी गेन करेगा वो किस फॉर्म में बाहर आएगी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब अल्फा पार्टिकल जो चार्ज है वो कितना होता है, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज ट्वाइस चार्ज ऑफ प्रोटोन है इनटू वी इज इक्वल टू क्या के, यही आएगा के की वैल्यू आ गई। अब मेरे को ये भी पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय पी, पी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, टू इंटू एम इंटू क्या के, टू इंटू एम इंटू कितना के ये पुट कर सकते हैं इसमें। अब एक काम करते हैं क्योंकि अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो एम नहीं होगा, एम की जगह क्या पुट करना पड़ेगा यहाँ पर 4m। अल्फा पार्टिकल का मास चार गुना ज़्यादा है प्रोटोन से और इंटू कितना के, इस के की जगह ये वैल्यू पुट कर लें 2 इंटू ई इंटू वी, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी h डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 4m इंटू 2 इंटू ई इंटू वी। तो लैम्डा की वैल्यू आएगी h डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 4, ये 4 है ये भी 4 है तो 4 ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से बाहर आ जाएगा। तो आपको m पता है, e पता है और v भी पता है इस क्वेश्चन में कि v की वैल्यू किसके इक्वल है, कितना वोल्ट है 200 वोल्ट है। सॉल्व करके लैम्डा कैन बी कैलकुलेटेड, कैलकुलेशन अपनी अपनी है बट समझ में आ रहा है क्या किया है इसमें, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन भी आता है, मूविंग पार्टिकल हैज थ्री टाइम, या अ पार्टिकल इज मूविंग थ्री टाइम एज फास्ट एज एन इलेक्ट्रॉन। तो पार्टिकल की वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की रेशियो गिवन है, तीन गुना ज्यादा है। रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है, तो डी ब्रॉगली की वेवलेंथ की रेशियो भी गिवन है लैम्डा की। कैलकुलेट पार्टिकल मास एंड आइडेंटिफाई दी पार्टिकल, पार्टिकल का मास निकालो और पार्टिकल को आइडेंटिफाई करो क्या है। तो पार्टिकल की जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, एच अपॉन पार्टिकल का मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होगी वो एच अपॉन इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम। हम दोनों को डिवाइड करके रेशियो निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मास की रेशियो एक तरफ बाकी रेशियो एक तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई। आपको इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि पार्टिकल डी ब्रॉगली वेवलेंथ की रेशियो गिवन है पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन की, तो वेवलेंथ और इसकी रेशियो ऑलरेडी गिवन है। मुझे पता है कि जो पार्टिकल है वो थ्री टाइम ज़्यादा तेज मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन से, तो ये रेशियो भी गिवन है 1:3। आपको इलेक्ट्रॉन का मास भी याद है तो यहाँ से पार्टिकल का मास कैन बी कैलकुलेटेड। पार्टिकल का मास सॉल्व करके आ रहा है इतना जो कि प्रोटॉन के साथ मैच करता है, आइडेंटिफाई भी करना है तो पार्टिकल प्रोटॉन है। समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे करना है इसमें, ठीक। जैसे ये क्वेश्चन फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटोन, देखो प्रोटोन की बात हो रही है हुज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दैट ऑफ रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या करना है अपने को, अपने को प्रोटोन की क्या निकालनी है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है जो कि एच अपॉन एम वी। आपको मास ऑफ प्रोटोन तो पता ही होता है, आपको क्या निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ प्रोटोन। इसके लिए आपको क्या गिवन है, वो कह रहे हैं जो काइनेटिक एनर्जी प्रोटोन की है वो इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास जो कि 9.1 × 10⁻³⁻³ है जब वो रेस्ट पे होता है, इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ गई, एनर्जी आ गई रेस्ट मास एनर्जी। तो मास कैन बी कन्वर्टेड इंटू एनर्जी, फॉर्मूला लगा लो इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, तो रेस्ट मास एनर्जी आ गई। तो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी आ गई और यही किसकी एनर्जी है, यही प्रोटॉन की भी एनर्जी है।
तो आप ये जो एनर्जी आपने कैलकुलेट की इसको प्रोटॉन की एनर्जी के साथ इक्वेट कर दें, हाफ एम वी स्क्वायर, मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता है, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन कैन बी कैलकुलेटेड। वेलोसिटी आ गई, फिर यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और प्लैंक्स कांस्टेंट को पुट करके लैम्डा की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो सारी गेम एक ही फॉर्मूले के ऊपर घूम रही है और ये फॉर्मूला है। और मोमेंटम निकालने के लिए कहीं ना कहीं ऊपर आपको एनर्जी का कॉन्सेप्ट गिवन ही होता है, एनर्जी से आपको वेलोसिटी या मोमेंटम निकालना पड़ता है। ये वाला इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर लास्ट लेक्चर में करवाया। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि यूनिवर्स में दो ही चीज़ें आइंस्टाइन ने कहा था, या मास है या एनर्जी है, मास नहीं तो एनर्जी है, एनर्जी नहीं तो मास है, एक ही दो ही चीज़ें हैं सिर्फ। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट, ये जरूरत नहीं करने की, ये वाला क्वेश्चन भी जरूरत नहीं है, ठीक है, सफिशियंट है।